बफे भी है और एक सिंगल प्लेट सर्विंग भी है। और बफे लेमन प्लस टैक्स का है और सिंगल प्लेट सर्विंग जो है ना वो 650 प्लस टैक्स की है। तो मैं आया हूँ आज इसको टेस्ट करने के लिए, तो आगे देखते हैं क्या चीज़ टेस्ट करते हैं। आप भी वसीम हो? मैं भी वसीम हूँ। अच्छा, तो क्या है जी बफे में आपके पास? हमारे पास सैलड्स हैं, इसमें क्रीमी सैलड है, स्पाइसी नूडल सैलड है, सैलड है, पैने पास्ता है, कोल्ड सैंडविचेज हैं, इसके अलावा चाइनीज़ कुजीन है हमारे पास, कॉर्न सूप है, मटन सावर, फिश गार्लिक फिश है, चिकन मंचूरियन है, नूडल्स हैं हमारे पास, फ्राइड राइस हैं, फ्राइड विंग्स, इसके अलावा पाकिस्तानी कुजीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इस पाकिस्तान कुजीन में लाहौरी बट कढ़ाई है, वाइट मखनी है, पैने पास्ता है, इसके अलावा शॉर्मा बाइट्स हैं, दाल मखनी है। इसके अलावा हमारे थर्ड कुजीन जो हमारी आती है यार तुर्किश और अरबिक फूड है, इसमें अरबिक मंदी है, अरबिक अदाना कबाब है, इसके अलावा जैरो राइस है, चिकन टिक्का बोटिया, और डिज़र्ट्स में हमारे पास फूड राफेल, खीर एंड ब्राउनी। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, टेस्ट करते हैं इसको। श्योर श्योर जरूर।
के स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, एम्बियंस आउट क्लास है, शहर के बीच में है, ऑफिसेज के पास है। तो जो लोग ऑफिसेज में लंच करना चाहते हैं किसी अच्छी एम्बियंस में बैठ के, तो ये जगह बड़ी अच्छी है, सस्ती है, क्योंकि बंदा जितने मर्जी पैसे करे खर्च करे ना, लेकिन अपनी वर्क प्लेस पर आकर लंच वो बहुत कम पैसों का करना चाहता है। तो ये क्योंकि लाहौर कैफेटेरिया पुराना है, अब इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया, दो इनकी डीलें हैं, एक वो एक सिंगल प्लेट ले लें या आप बफे ले लें। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सिंगल सर्विंग लें, क्योंकि बफे के अंदर आदमी जो है ना वो ओवरईटिंग कर जाता है। अब जितना भी कम से कम पैसों का बफे हो ना, तो एक मशहूर है हमारे दोस्तों में बात कर, बंदा उनकी कुर्सियाँ भी खा जाए तो बंदे का दिल जी नहीं भरता, बंदा चाहता है होटल का कोई नुकसान करके जाए, और इसी कोशिश में वो अपना नुकसान करता है। तो आप सिंगल सर्विंग लेंगे तो जिस तरह आप घर में खाते हैं उतना ही खाना आप निकाल सकोगे, और आपके लिए भी बेहतर है, और ज़ाहिर है होटल का भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करोगे। वो बेचारे सर्विंग थोड़ी थोड़ी डालते हैं इसलिए कि कोई एक ही आदमी आके अन्नी ना डाल दे और बाद में आने वाले लोगों को कुछ मिले ना, तो इसलिए बार बार वो रिफ्रेश करते रहते हैं अपने फूड को। तो मेरी तो रिकमेंडेशन है कि आप सिंगल सर्विंग लें, उसमें ना ज़्यादा फ़ायदा है, आप आराम से अपनी प्लेट बनाएं और बैठ के खाएं, एंजॉय करें। मेरा ओवरऑल व्यू ये है कि जगह अच्छी है, खाना देखने में अच्छा है, चखने में मज़ेदार है, लोग अच्छे हैं, ये आने की जगह। थैंक यू। सर, ये मेक योर ऑन प्लेट हम लोगों ने इसलिए किया कि एक तो लोग एक ही बाजू का लोग खाना पूरा बूफे नहीं करना चाहते, कंप्लीट कुजीन नहीं है, तो हम लोगों ने इसलिए इसको मेक योर ऑन प्लेट में इसको सर्विंग दी कि मल्टीपल कुजीन आप एक ही टाइम में आप उसको टेस्ट ले सकते हैं, उसको खा सकते हैं, ठीक है, जितना आपका दिल करे। डिफरेंट कुजीन्स हैं, उसमें आप 3 to 4 कुजीन्स लेना चाहें या सब चीज़ें लेना चाहें, तो ये हमारा कंसेप्ट है कि लोग ताकि लोग बाज पर बूफे में लोग घबराते हैं कि नहीं यार इतना ज़्यादा कैसे खाएंगे या क्या चीज़ है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये बाहर के मालिक से भी मेक योर ऑन प्लेट्स बहुत ज़्यादा चलता है लोग वहाँ करते, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए हम लोग यहाँ लेकर आए। बिल्कुल इकोनॉमिकल प्राइजेस भी हैं, मतलब 650 और वैरायटी फुल है, फुल वैरायटीज आपको तकरीबन 15 to 20 डिशेज आपको जो हैं वो मिल जाएंगे। सो नाइस सर, थैंक यू सर।